नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। कोरोना काल में हुए लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन देश के विभिन्न राज्यों से जारी है। इसी कड़ी में लखीसराय के क्यूल जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों के आगमन को लेकर जिले के डीएम और एसपी ने एक साथ क्यूल जंक्शन का निरीक्षण किया है। साथ ही प्रवासी मजदूरों के व्यवस्था में कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत उसकी पूर्ति कराने की बात कही है। सर, प्रतिनियुक्त कर्मी जो है उसके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है और महिलाओं को भी प्रतिनियुक्त किया गया, ऐसे में वो लोग कहाँ जाए सर? कहाँ पर प्रतिनियुक्त किया? नीचे रनिंग रूम के पास जो टेंट लगाया गया है। हम देख लेते हैं। और सर जी, सर है सर, और सर 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 एक चीज और है, यहाँ से ग्रामीण एरिया से बस गुजरती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग जो जाते हैं तो थूकते हुए जाते हैं और सैनिटाइज नहीं किया जाता, दो टाइम सैनिटाइज कई लोगों को मांग है। ठीक है, थूकना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, लेकिन वो आदमी तो जाएगा तो जो रास्ता वसी होकर जाएगा वो सैनिटाइज के लोगों को जानकारी नहीं है। सैनिटाइज का पर्पज क्या होता है, सैनिटाइज कहाँ किया जाता है, वो रास्ते में धूल और गर्दा को थोड़ा सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज जहाँ बैठना है, जिसमें रहना है, जिसमें घुसना है, सैनिटाइज उसको किया जाता है। रोड सैनिटाइज जहाँ पर कोई कंटेनमेंट जोन होता है वहाँ किया जाता है। हाँ,